दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर आ रहा हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल बिग बॉस जब स्टार्ट हुआ वही ड्यूटी टास्क से दोबारा, कि जैसे अब जो रेड जोन में प्लेयर्स चले गए हैं तो बाकी प्लेयर्स कम पड़ गए हैं, अब घर की ड्यूटी साइन करनी थी सारी सारी। तो यहाँ पर कविता सबको ड्यूटी बता रही थी कौन कैसे कैसे करेगा। इजाज खान जी बीच में कूद पड़े कि नहीं मैडम, मैंने पहले ऐसे किया था तो मैं ऐसे ही करूंगा, ये टफ होता है ये होता। कहती मुझे बस बताओ क्या टफ होता क्या नहीं होता, मैं तो मैंने तुम्हें वहां से घर से बाहर निकालना है, तुमसे काम कराऊंगी और जो मैं कैप्टन हूं मैं जो बोल रही हूँ वही फाइनल होगा। तो यहाँ पे एजाज खान की और कविता की थोड़ी सी जिसे कहते बहस देखने को मिली। अब दूसरे निशांत, निशांत बैठा हुआ था वहां ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो अपना राहुल वैद्य को बोल रहा था, भाई जो तूने कल टास्क करा ठीक है, जैसे भी तेरा रीजन थे तुमने दिए, बट तूने जो नेपोटिज्म का वर्ड यूज किया वो ठीक नहीं था, वो इस घर के अंदर यूज नहीं थी करने की। और दूसरी तो यहाँ पे राहुल वैद्य बहस कर रहा था, यहाँ पे अपना बीच में अपना जान भी आ गया, जान और इससे बीच में तकड़ी बहस, तू मेरे बाप पे मत जा, ये है वो है, मैंने अपने बाप को बहुत पहले छोड़ दिया, मेरे बाप ने मैंने अपने जो बनाऊ अपने हिसाब से बनाऊ, मेरी जो मदर प्रेग्नेंट थी 6 मंथ्स के बाद तभी मेरा बाप मुझे छोड़ चले गया था, तो मैं अपने खुद मेरी माँ ने मुझे बनाया है, मैं उनके बेस पे मैं तो मेरे बाप से नहीं बना, ये वो। तो दोनों ही काफी बहस देखने को मिली यहाँ पे और सारा घर वाले भी वही लगे हुए थे, भाई जो वर्ड नेपोटिज्म यूज किया वो गलत करा इसने, भाई ये चीज बाहर की थी इसको बाहर ही यूज किया था, घर बिग बॉस घर के अंदर यूज करने की नहीं थी। यहाँ निक्की बीजे ने मजे ले रही थी, निशान ने अपना सीधा बोल दिया उसने अपना जानने का, भाई तू एक साइड हो जा, या उसकी साइड या मेरी साइड, तू दोनों की साइड बन रही है, तू मुझे डोबे ढोल लिया थे, तू खुद डोबे ढोल की है। तो निक्की भी और दूसरा यहाँ पे जिसे बहस बहस के चक्कर में जान और कल अपना राहुल बहते थोड़ा जैसे कहते हैं धक्का मुक्की फिजिकल, वो भी कल देखने को मिला यहाँ पे बिग बॉस। अब बिग बॉस ने कविता को अपना कमिश्नर रूम में बुला रखा था, उसे बता रहा भी है तुम सब घर वालों को बोलो कि घर से बाहर चले जाए, गार्डन में चल रहे हैं, पूरे घर को सैनिटाइज करना है, तो यहाँ पे और कोई खाना वाना बाहर लेके मत जाना क्योंकि वहाँ बाहर बंदर बैठे अंदर होते हैं तो वो तंग करेंगे। यहाँ पे कविता कैप्टन है, ठीक है कैप्टन है, वो अपना कैप्टनशिप लेती है कि जैसे मैंने भी बहुत ज्यादा ये रूडली बोलती है हर चीज को कि चलो 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 बाहर चलो सब चलो बाहर चलो। तो यहाँ पे जो था अपना शरदुल था वो उसने कहा ठीक है भैया बाहर जा रहे हैं, मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके जा रहा हूँ बाहर, जो वो आप घर वाले वो मांग रहे थे, कह रही नहीं मैंने कह दिया ना कुछ घर से नहीं लेके जा रहा यहाँ पे, तो समझ नहीं आती तो बिग बॉस की वेल ना करते, ये वो पब्लिक देख रही है भारत देख रही है, बस उसको एक रट लग जाती है, वो कह रहा है भारत देख रही है क्या हो गया, तो मुझे हमेशा क्यों कहती है मैं बिग बॉस के रूल्स को फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो करता हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ प्यार से बोलो ढंग से बोलो, ये क्या मतलब है तू बिग बॉस नहीं है तू घर की कैप्टन है, तो ये नहीं है कि तू जो कहेगी वो सला वो हो जाएगा और माने लग जाएंगे हम तेरी बातें। तो यहाँ पे कल दोनों की अच्छी तरह बहस कल देखने को मिली और यही बात गार्डन में जाके मिलने लगी कि तुम ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं रूट करते हो, तो दोनों की फाइट कल अच्छी खासी फाइट जिसे कहते हैं दोनों की देखी। अब इसी बात को लेके जैस्मिन पहले शरदुल को समझा रही थी, भाई तुम ऐसे रूडली मत बोला करो, तुम आराम से बात करो, तुम बहुत लड़ते हो, कल भी तुम स्मोकिंग जोन में लड़ने लग गए उससे, वो तुम्हें समझा ही रही है, ये कह रहा नहीं वो समझाती नहीं है, वो बहुत रूडली बोलती है, उसे लगता है कैप्टन है तो मैं पता नहीं क्या हो गई हूँ, भाई ठीक है हम भी बिग बॉस की इज्जत करते हैं बिग बॉस के शो में आए हैं, उसे लगता है वही करती है भाई वही करता ही नहीं है। और यही चीज़ वो अपना कविता को समझा दी कि जब तुम ठीक है भाई तुम बातें करते हो समझाते हो सही अच्छी करते हो, बट ये कि तुम बहुत रूड हो जाते हो, कहती है मैं तो ऐसे ही हूँ मैं रूड हूँ तो मैं रूड ही रहूँगी ना, मैं अपना करेक्टर चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो ये दोनों जैस्मिन दोनों साइड से एक दूसरे को समझाती हुई कल दिखी। अब मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे बातें कर रहे थे, यहाँ पे एजाज खान आगे टपक गया, भाई मैं वॉशरूम साफ कर रहा हूँ ये है वो है, सारे ढक्कन खुले होते हैं शैम्पू के क्रीमों के जो सारे रहते हैं, भैया इनको बंद करो मुफ्त का मिला तो ढंग से यूज़ करो, तो बस ये जो बात थी मुफ्त का मिला ढंग से यूज़ करो। निशान को थोड़ा सा पिंच कर गया, निशान ने जाकर उसको वॉशरूम में बताया भाई ठीक है मैं नहीं करता बाकी सब करते होंगे, तुम सबके लिए ऐसे मत बोलो ये अच्छा नहीं लगता ऑकवर्ड लगेगा भी जो तुम वर्ड यूज़ कर रहे हो, तुम काम बहुत अच्छा करते हो। तो यहाँ पे एजाज खान भी मैं तो ऐसे ही हूँ ऐसे ही बोलूँगा यही करूँगा, तुम क्यों ढक्कन खोलेगी वो, और यही कविता समझा रही थी मेरी उसको भी ठीक है तू काम अच्छा कर रहा है ढंग से कर रहा है, बट ये होगा कि तू दूसरे वे से बोलेगा। बट यहाँ पे कल जो कहता कितने अभिनव उसने स्टैंड लिया, उसने कहा भी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे को फर्स्ट डे से चीज़ खलती है कि भाई जो तुम सारे ढक्कन वक्कन ये सब शैम्पू टूथपेस्ट के वगैरह सब खोल के आ जाते हो भाई बंद भी कर सकते हो, तो इसमें कोई गलत बात वो नहीं कर रहा, जो वो काम अच्छी तरह करता है तो उसी को दिखता है जो काम बढ़िया करता है, यह चीज़ें भी अनमैनेज है यहाँ पे। बिग बॉस, अब बिग बॉस ने सबको इकट्ठा कर लिया, बिग बॉस ने कहा भी ठीक है जो कविता थी उसको शुरू से ही किस्मत ने उसको कैप्टन बना दिया, पर वो कोई टास्क नहीं देती, आज एक टास्क दिया जा रहा है भाई घर वालों को मौका दिया जा रहा है कि वो कैप्टन के लिए दावेदारी कर सकते हैं और कविता अपनी कैप्टन की दावेदारी को बचाने के लिए लड़ेगी और घर वाले लड़ेंगे, इसके अंदर भाई जो रेड जोन वाले प्लेयर हैं वो खेलेंगे तो नहीं, बट रेड जोन वाले प्लेयर इसके अंदर वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे भी कौन कैप्टन बनेगा। तो ये टास्क में क्या था कि टास्क के अंदर गार्डन एरिया को पूरा जिसे कहते हैं कि वर्ड में कन्वर्ट कर दिया था, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स वगैरह बना दिए गए थे, साइकिल था रिक्शा था अलग अलग चीज़ें थी, भाई जो घर प्लेयर्स थे उनको उसके ऊपर बैठ जाना थे अपने अपने बैग लेके, और जो रेड जोन में थे उनको आना था बजर बजते बारी बारी
और एक बैंक छीन छीन एक को आउट करना था। और इसमें जो घर वाले हैं वो कन्विंस कर सकते हैं भी मैं क्यों अच्छा कैप्टन बनूंगा, या वो उनसे बातें कर सकते हैं। तो इस तरह इस टास्क को परफॉर्म करना था, और जो पहले घर से बाहर निकल जाएगा वो उसका संचालक बन जाएगा। अब मैं टास्क दे दिया गया तो सारे आपस में डिस्कशन वही चल रहा है, तो ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो पहला बजर बजा तो यहाँ पे जो अपना निकी और जो अपना पवित्र पुण्यदी वो रेड जोन से बाहर आए, इन्होंने बाहर आके वही सबको वही उसके पास पास जा रहे थे, सब अपने बोल रहे मैं अच्छा कैप्टन मैं ऐसे बनूंगा ये बनूंगा, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे इसको जो मैं सबसे पहले जो बाहर निकाला गया वो दो बैग छीन लिए गए, एक रुबीना का और एक अपना नैना का। तो इन्होंने जो सबसे पहले बैग फेंका वो नैना का फेंका, तो नैना इस फर्स्ट में से आउट हो गई और नैना ही इस गेम की संचालक बन गई। अब इसी बस सबको बैठे डिस्कशन करके मिल रहे थे, नैना को समझा रहे थे सारे सारे जो प्लेयर्स ने, भाई ऐसा है कि अब तू संचालक बन चुकी है तो तेरे हाथ में कैप्टन किसको बनाना था, इनकी बात को हमने बिल्कुल नहीं मानना, यही निशान समझा रहा सब जैसे सब समझा रहे थे कि भाई हमने खेलना एज ए टीम, मतलब रेड जोन में से हुई भाई उनको नहीं चलने देनी, हमारे हिसाब से कोई कैप्टन बनेगा तो बनेगा। अब दोबारा बजर बना, बारी थी सेकेंड राउंड की, सेकेंड राउंड में बारह राहुल वैद्य और जान दोनों बाहर आए, ये अब सब वही डिस्कशन करते रहे बातें करते रहे। अब यहाँ पे राहुल वैद्य ने जो बैग छीनने की कोशिश करी वो छीनने की कोशिश करी अपना जैस्मिन की, बस राहुल वैद्य ने पहले छीन रहा है वो जैस्मिन छोड़ी, उसने कहा छोड़ दे प्लीज छोड़ दे, नहीं छोड़ दे, कह रहा मैं कह रहा हूँ छोड़ दे नहीं तो तेरे जो इंजरी हुई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस जैस्मिन जी को लग गया कि मुझे धमकी दे रहा है, ये क्या मतलब है लड़का लगी को धमकी दे रहा है, जबकि ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो धमकी दे रहा है, बट ये है कि उसने तो उसके के लिए बोला था भी तेरे इंजरी हो रही है ज्यादा लग जाएगी मैं छीनूंगा, तो बट राहुल ने जोर झटका मार के सुरक्षा करके छीन लिया बैग। अब जैस्मिन जो भड़की यहाँ पे, ये बिग बॉस मुझे धमकी दे रहा है, मुझे ये दे रहा है, मुझे वो दे रहा है, ये बदतमीज है, ये वो है, जिसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी कि उसने धमकी तो नहीं दी थी, बट ये भी टास्क में थोड़ा बहुत, तो हर एक बिग बॉस ने देखा कि लड़ाई झगड़े तो होते होते हैं, तो कल जैस्मिन अननेसेसरी यहाँ पे फटी है और बहुत ज्यादा फटी है, बिग बॉस ये है वो, एंड में उसने उसके ऊपर पानी फेंके दे मारा। दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज वही अपना पवित्र पुण्य, पवित्र पुण्य रेड जोन के अंदर है और अपना इजाज खान जी ग्रीन जोन में है। पवित्र पुण्य मतलब बातें करती हुई मिलेगी यार, मैं मतलब समझ नहीं आ रही मेरा और इससे रिलेशन क्या है, मैं इसको मिस बहुत करती हूँ, मैं इसको लव करती हूँ, इसको हेट करती हूँ, हमारे में लड़ाई भी होती है, अब ये क्या चीज़ है। तो ये एक नया ट्रैक से कहते हैं लव ट्रैक, इजाज़ खान और अपना पवित्र पुण्य में देखने को आज हल्का सा मिलेगा। और दूसरी साइड जो कविता है वो अपना कैप्टन बन गई है, कैप्टन है तो अभी तक तो कैप्टन है ही है जब तक टास्क खत्म नहीं होगा, वो उसको मतलब एक ईगो टाइप जिसे कहते हैं ना वो है, वो कहती है मैं हूँ तो मैं हूँ, मैं वो बिग बॉस समझने लग गई है अपने आप को। उसने रुबीना को बोलती है मेरे लिए फ्रूट काट के ला, वो कह रही मैं फ्रूट क्यों काटूँ भाई, तू फ्रूट अपने काट ले, ये वो है, कह रही मैं कैप्टन हूँ मैं जो कह रहा हूँ कर नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगी। तो मतलब जो वो कैप्टनशिप कर रही है वो कर रही है कि मैं भैया कि भाई यहाँ की वो डिक्टेटरशिप कर रही है। तो यहाँ पर रुबीना और अपना कविता के बीच में अच्छी खासी बहस देखने को मिलेगी। और दूसरा ये टास्क जो भी कैप्टन टास्क चल रहा है यहाँ पर सब टारगेट करेंगे अभिनव को, और निक्की राहुल वैद्य जान और अपना पूरा जोर लगा देंगे पवित्र पुण्य भी, और यहाँ से वो अकेला अभिनव होगा और बहुत जिसे कहते हैं ना कि आपस में इनकी फिजिकल हो जाएगी एक बैग छीनने के चक्कर में, और ये टास्क यहाँ पे कल आज परफॉर्म किया जाएगा और इनकी अच्छी खासी जिसे कहते हैं लड़ाई और बहसबाजी होगी अभिनव के साथ। वही दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस को लेके, तब तक सत श्रीकाल कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ख्याल रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।